हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी एनालिसिस करते हैं जो कि डेली एडिशन का होता है। आज है 7 जनवरी 2019। चलिए देखते हैं आज की एडिटोरियल की करंट अफेयर्स। और आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर वगैरह मिस ना हो। साथ ही आपको इसके वीडियो के अलावा और भी वीडियो मिल जाएंगे जैसे इतिहास, भूगोल और राजनीति के, तो आप वह वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। काफी शानदार तरीके से डिस्कस किया है हमने। और मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें और साथ ही वीडियो को शेयर करके यह वीडियो उन हिंदी मीडियम स्टूडेंटों तक भेजें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। कल काफी शानदार तरीके से वीडियो को लोगों ने लाइक किया, काफी अच्छा लगा और कुछ लोगों ने कमेंट भी किए काफी शानदार तरीके से, तो इससे मोटिवेशन मिलता है एक तरीके से। देखते हैं आज का मैप प्रैक्टिस। मैप में हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेडी के हैं। राजधानी कौन है? भुवनेश्वर है यहाँ की राजधानी। अब बॉर्डर कितने राज्यों के साथ शेयर कर रहा है वह देख लीजिए यहाँ पर इस वाले मैप में। इस तरफ तो आंध्र प्रदेश से कर रहा है, फिर इधर छत्तीसगढ़ से कर रहा है, यहाँ पर झारखंड से कर रहा है, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल से यहाँ पर शेयर कर रहा है। तो इस तरह से ये चार राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तेलंगाना के साथ यहाँ पर बॉर्डर नहीं शेयर की जाती है, याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। चलते हैं एडिटोरियल पेज की तरफ जिसमें आज की हमारा जो पहली न्यूज है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह सीबीआई है, जो सीबीआई के बारे में बातचीत की जा रही है कि किस तरह से सीबीआई एक दायरे में बंधी हुई है और उस दायरे के बाहर जाकर वह काम नहीं कर पा रही है, किस तरह से सीबीआई केंद्र और राज्य के बीच में फंसी हुई है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के साथ यहाँ पर बात की जा रही है जो जयललिता जी थी तो उनकी जो मृत्यु हुई थी तो उसको साजिश बताया जा रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसको हम थोड़ा देख लेंगे कहाँ पर क्या बात की जा रही है और अब क्यों न्यूज में आया है, लगभग एक साल हो चुका है तो यह न्यूज में क्यों आ रहा है। इसी के साथ अफगानिस्तान से अमेरिका की फोर्सेस को हटाया जा रहा है तो इसके संदर्भ में इंडिया का यहाँ पर रोल है उसकी बात की जा रही है। साथ ही इंडिया को वहां पर कुछ भी रोल प्ले करने से पहले क्या क्या सावधानी, क्या क्या बातें देखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसका इतिहास जानने की आवश्यकता है, साथ ही देखने की आवश्यकता है कि वहां पर कैसे क्या चीजें हुई थी और अब क्या चीजें चल रही है, तो यह आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बिल लाया जा रहा है तो उसके बारे में बातचीत की जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, साहित्य से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक लेसन यानी कि एक पाठ सीखने की आवश्यकता है इंडिया और पाकिस्तान को, किससे? कश्मीर मुद्दे पर किससे? जापान और रशिया से यहाँ पर कुछ सीखने की आवश्यकता है, तो यह इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर यह यहाँ पर जो यहाँ पर एडिटर एडिटर को लेटर लिखे जाते हैं उनका रिप्लाई किया जाता है, तो यह इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कार्टून सेक्शन देख सकते हैं आप, राजनीति से रिलेटेड है। मैप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरह से जो रिफ्यूजी होते हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, तो उनके उनका डाटा दिखाया जा रहा है, किस तरह से ग्राफ वगैरह बताया जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए कि यह दुनिया भर में यह समस्या आज के समय में चल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा देखने वाले हैं। साथ ही यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसा कि आपने देखा होगा अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, यूरोपियन यूनियन से जो ब्रेक्जिट हुआ है तो इसका असर इंडिया पर किस तरह से पड़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी पर किस तरह से असर पड़ रहा है, तो यह सब बातें की जा रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा पहला आर्टिकल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यही आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? भारत की अटलांटिक चुनौती। अटलांटिक चुनौती से क्या मतलब है आपको मैप में दिखा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे, इसमें देखिए ये रहा हमारा इंडिया, अब इसकी तरफ हम इधर जाएं तो ये रहा यूरोप, इसी के साथ यहाँ पर ये रहा अमेरिका और इन दोनों के बीच में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इस वाले एरिया को जो यह एरिया है इसमें जो यह देश आ रहे हैं इनको क्या बोला जा रहा है? अटलांटिक कंट्रियां हम इसको बोल देंगे अभी एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर इन कंट्रियों के द्वारा जो भी गतिविधियां हो रही है, क्योंकि यह देखिए अमेरिका हो गया और यूरोप हो गया, दुनिया की सबसे अमीर कंट्रियां, डेवलप्ड कंट्रियां हैं ये, तो इसलिए इनकी जो गतिविधियां होती हैं उससे क्या असर पड़ता है, तो वह बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर हम देखते हैं आर्टिकल, देखिए हालांकि 2019 की उम्मीद 19 को जो 2019 का नया साल आया है उसको उम्मीद का साल बताया जा रहा है और उसके पहले
ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और ब्रेक्सिट डील इस साल और अधिक चुनौतियां खड़ी कर सकती है। 2019 की बात की जा रही है, पिछले 2018 में क्या हुआ, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप जी चुनकर आए थे, तो उसमें उनने अमेरिका फर्स्ट नीति यानी कि अमेरिका की चीजों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। साथ ही ब्रेक्सिट भी यहां पर होने की बात हो रही थी, जिसका काफी ज्यादा असर पड़ा और इस साल और भी चुनौतियां खड़ी होने की संभावना है। और अगर यहाँ पर देखें तो उम्मीद का साल तो बताया जा रहा है, और शायद भारत के लिए नीति के कुछ क्षेत्रों में रीसेट यानी कि नीतियों को फिर से बनाने की बदलने की आवश्यकता है, और अब इस हिसाब से नीतियां सेट करनी होंगी जिस हिसाब से यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है। देखिए, एक चिंताजनक बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि अटलांटिक महासागर के पानी का गंदा पानी कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है, यानी कि जो जहाँ हमने अभी लोकेशन देखी उस वाले एरिया की बात की जा रही है, तो वहां पर नुकसान हो सकता है वहां की जो गतिविधियां हैं उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे जो आर्थिक स्थिति है उसको उसकी नींव को हिला सकता है, स्थिर वृद्धि में जो स्थिर आर्थिक वृद्धि हो रही है उसकी नींव को हिला सकता है। देखिए कारण क्या है इसके, वह देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति हो गई, जिसका जो क्या करता है एक संरक्षण देता है, और कि जो अमेरिका के नागरिक हैं अमेरिका की जो चीजें हैं उनको पहला दर्जा दिया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। इससे भी नुकसान होता है, जैसे कि आप देखेंगे अमेरिका और चाइना का युद्ध चला, ये वाला व्यापार युद्ध चला, अधिक टैरिफ और सब्सिडी हिचकी का कारण बन सकती है। यानी कि देखिए अमेरिका क्या करता है कि अपने यहाँ की चीजें बेचना है तो दूसरे देशों की चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा दो जिससे वह महंगी हो जाएंगी, तो ऑलरेडी लोग नहीं खरीदेंगे, तो इस तरह की चीजें की जाती हैं, और यही उनने चाइना के साथ किया और चाइना ने उनके साथ किया। तो यहाँ पर यह रीजन बताया जा रहा है जो कि विचलित व्यापार लड़ाइयों को समाप्त हो सकते हैं, यानी कि व्यापार लड़ाइयां समाप्त करने का एक कारण भी है। लेकिन यहाँ पर और भी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर अपोजिट में लगा देगा कोई तो फिर लड़ाई ही शुरू हो जाती है, जैसे अमेरिका चाइना की होगी। और दूसरा, यदि यूके में हार्ड ब्रेक्सिट है, यानी कि अमेरिका यूके जो यूएन है, सॉरी यूनियन नहीं, यूरोपियन यूनियन है, तो अगर वह उसमें से यूके बाहर निकलता है, ब्रेक्सिट हो जाता है, तो भारत व्यापार समायोजन के बारे में अप्रत्याशित जटिलताओं को देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ से अगर बाहर निकलता है वे, यहाँ पर जो फ्री ट्रेड वगैरह है इस पर सवाल, इस सवाल से बाहर हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इंडिया का व्यापार है इस पर असर पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो बात की जा रही है वह इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिए गए। देखिए, पहले अमेरिका को ध्यान में रखते हुए ट्रंप प्रशासन एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते और प्रतिबंधों के नेटवर्क के साथ नियम आधारित व्यापार आदेश को बदलने का प्रयास कर रहा है, यानी कि यहाँ पर व्यापार की जो नीति है इनको बदला जा रहा है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें भारत के लिए अलग अलग नुकसान है, 2018 व्यापार अनुभव, 2019 के भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में 2019 में क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर नीति वगैरह बदली जाती है तो 2019 में हो सकता है इंडिया पर इसका असर पड़े, इसका बोध कराता है पिछले साल जब ट्रंप ने क्या किया, अमेरिका और उसके तीन मुख्य व्यापार साझेदारी। देखिए ट्रंप है, यह रात को कुछ और बोलते हैं और सुबह उठकर कुछ और बोलते हैं, कुछ इनकी इस तरह की बातें रहती हैं। जैसा कि इनने देखिए इनके जो सबसे करीबी इनके अमेरिका के अगर देखा जाए, अच्छे दोस्त कहा जाए या व्यापारी दोस्त कहा जाए, उनके जो प्रमुख तीन मुख्य व्यापारी थे, देखिए जैसे यूएन हो गया यानी कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय कुछ कंट्रियां जिसमें 28 देश हैं, चीन हो गया, नाफ्टा, नाफ्टा के तीन मेंबर कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, देखिए चीन हो गया, चीन बहुत अच्छा व्यापार कर रहा था इसके साथ नाफ्टा में, देखिए यहाँ पर ये रहा अमेरिका बीच में ये वाला, इसके नीचे मैक्सिको हो गया, कनाडा, यह तीन देश मिलकर बनाते हैं नाफ्टा ग्रुप, तो यह इसके मुख्य यह हो गए, ठीक है। इसी के साथ यूरोप हो गया, यूरोप इसका नाटो वगैरह ग्रुप में है तो अमेरिका के साथ, तो यह इसके तीन मुख्य व्यापारी देश होगा, और कहा जाए तो जो इतने सारे देश मिलकर अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे थे तो इनने क्या किया, उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी यहाँ पर व्यापार पर इनने टैक्स वगैरह लगाए, टैरिफ लगाए। तो आप देख सकते हैं कि जो इतने खास मित्र हैं जो इनके, इन पर टैरिफ लगा सकता है, राजनीति कर सकता है इनके साथ, तो इंडिया कहाँ से आया, इंडिया के साथ भी यह कर सकता है, तो इनको इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की नीतियां बनानी चाहिए। दोनों देश व्यापार संरक्षणवाद की दिशा में वैश्विक रुझानों को गति प्रदान करते हुए एक टिट फॉर टैट नीति में लगे हुए, यानी क्या देखिए कि क्या होता है कि अगर अमेरिका ने चीन पर टैक्स लगाया या वो टैरिफ लगाया तो चीन ने भी उसके ऊपर वापस लगाया, तो क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं जिसका असर दुनिया भर पर भी पड़ता है, तो इस तरह से यहाँ पर चीजें की जा रही हैं। तो अब बात यही की जा रही है कि इंडिया को यहाँ पर इस इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए,
ताकि यहाँ पर आगे चलकर कोई भी नुकसान वगैरह ना हो। वही सब बातें यहाँ पर फिर से बताई जा रही हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज के आर्टिकल काफी शानदार हैं, इसलिए आपको सिर्फ जिस्ट दी जा रही है, क्योंकि वीडियो बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर वीडियो को देखें। अब इसी के साथ आगे का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए विकल्प, यानी कि अफगानिस्तान से देखिए, अपनी अफगान नीति को लागू करने के लिए भारत को पुनरुत्थान करने वाली तालिबान को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। भारत के विकल्प और पास्तून कारक, पास्तून एक प्रकार की एक तरह की जाति कम्युनिटी के लोग हैं जो वहां पर बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, और इनने राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया है इस प्रजाति के जो थे, इसलिए यह कम्युनिटी काफी इंपॉर्टेंट है। और यह कम्युनिटी कहाँ पर रहती है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रहती है, शहरी इलाकों में दूसरी कम्युनिटी रहती है। पास्तून जैसे हम पठान बोलते हैं ना, पठान वही है ये, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह कम्युनिटी पाई जाती है। तो अब यहाँ पर देख क्या बात की जा रही है, अगर अमेरिका की जो सैन्य है, जो सैनिक है अमेरिका के, अगर इनको वापस लिया जाता है अमेरिका के द्वारा, तो यहाँ पर संभावित परिणाम क्या है, भारत को तैयार रहना होगा इनके लिए, जो भी परिणाम यहाँ पर निकल के आएंगे। तो नई दिल्ली है जो उनको विकल्पों को तोड़ रही है यहाँ पर कि क्या हो सकता है, लेकिन इनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि अफगान तालिबान के प्रति उसके सभी विरोधाभास के लिए बात का प्रतिनिधित्व विकृत रूप से पास्तून राष्ट्रवाद का एक पहलू है, ठीक है। तो इन सब बातों को नजर रखना चाहिए कि क्योंकि देखिए, अगर आप दूसरे देश में जा रहे हो और वहां पर जाकर कुछ गतिविधियां कर रहे हो, तो उनका रुझान है जो तालिबान है, इनका जो इंडिया के प्रति रवैया है वह बदल जाएगा, इस कम्युनिटी का जो रवैया है वह बदल जाएगा इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया के अपोजिट में भी यह जा सकते हैं। तो इन सब बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। देखिए, एक अल्ट्रा रूढ़िवादी इस्लाम का संयोजन है जो तथा कथित अफगान जिहाद से सऊदी भागीदारी का एक उत्पाद है, और जो पश्तून वाली पारंपरिक पश्तून सामाजिक कोड और विदेशी उपस्थिति के विरोध में है, जो तालिबान को ताकत प्रदान करता है। क्या है ये आपको पता होगा कि तालिबान है जो ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ है, इसलिए इसको खत्म करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या होता है, ये जो कम्युनिटी है इससे इसको ताकत मिल रही है, साथ ही सऊदी, यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ से भी इसको ताकत मिल रही है जिहाद के थ्रू, जो जिहाद जिहाद यह कहते रहते हैं। इसी के साथ देखिए, जो अफगानिस्तान की पश्तून यहाँ पर जो ताकत प्रदान कर रही है, शक्ति दे रही है इसको ग्रामीण इलाकों से, अब ये आबादी का कितना 40% से भी अधिक शामिल है। इनका मानना है कि वे देश के सही शासक है, इन जो कम्युनिटी के लोग हैं, इनका मानना है ये देश के सही शासक है, क्योंकि पिछले 300 साल से इतिहास रहा है कि इनके जो राजवंश थे इनने अफगानिस्तान पर शासन किया है, जबकि जो फारसी भाषा ताजिक जो आबादी के 1/4, यानी कि जो आबादी के 25% तक है, यह इस प्रकार शहरी इलाकों में बसे हुए हैं, सरकारी नौकरी वगैरह इनको मिलती है, तो यहाँ पर एक तरीके का प्रतिरोध जाहिर होता है, क्योंकि देखिए यह पहले से रह रहे हैं तो इनका अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो फारसी वगैरह आए तो इनने यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया है, अब यह सरकारी नौकरियों में है, हर जगह यह है, तो इस तरह से जो जातियां हैं इनके ऊपर एक तरीके से प्रतिशोध वगैरह निकल के आता है, जो कि एक तरीके से आतंकवाद नक्सलवादी के रूप में आता है, इसलिए यहाँ पर यह तालिबान ग्रुप अभी तक चला आ रहा है, इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे यह स्थिति 2001 से चली आ रही है, जब यहाँ पर अमेरिका का जो आक्रमण हुआ था, यहाँ पर फौज वगैरह बुलाई गई थी, तब से यह चीजें चली आ रही हैं। 1994 में कंधार से पास्तून तालिबान का उदय आंशिक रूप से ताजिक, यानी कि 1994 से यहाँ पर यह शुरू हुआ, और यह शुरू कैसे हुआ आप देख सकते हैं, 1994 से 1996 तक। देखिए यहाँ पर जो, यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि यह तालिबान ग्रुप कब से शुरू हुआ, जबकि पाकिस्तान की सेना ने इसको मदद दी, मुख्य रूप से पास्तून तालिबान ने आदेश की एक डिग्री लागू की, पाकिस्तान ने यहाँ पर एक मदद की, क्योंकि पाकिस्तान में भी यह पठान कम्युनिटी के, पास्तून कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते, तो इसको चलते रहते, पाकिस्तान की जो सेना है तालिबान को सपोर्ट करती है सबको ही पता है, तो उसके चलते रहते यहाँ पर सपोर्ट किया, और 1996 से 2001 तक इनने लगभग जो अफगानिस्तान है इसका 3/4 भाग यहाँ पर इनने अपने कब्जे में कर लिया। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर यह सब किया गया। विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ पास्तूनी की नाराजगी, जैसे सोवियत आक्रमण, यानी कि देखिए पास्तून कब से नाराज है, यहाँ पर सोवियत संघ था उसका भी आक्रमण हुआ, ठीक है, और अमेरिकी सेना आई, फिर उसके क्या होता है आप देख एक बात समझ लीजिए। देखिए जहां पर अमेरिका जाता है, कोल्ड वार सुना होगा आपने, शीत युद्ध, तो जहां पर अमेरिका जाता है और रशिया अपोजिट में खड़े रहते हैं, यानी कि यूएसएसआर
हम बोले तो, और अमेरिका। तो अमेरिका अगर यहाँ पर काम कर रहा है, अगर अमेरिका अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान की सरकार को, तो रशिया क्या करेगा, तालिबान को सपोर्ट करेगा। और अगर पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया क्या करेगा, अफगानिस्तान सरकार को सपोर्ट करेगा। कुछ इस तरह का यहाँ पर चलता आ रहा है। तो कई बार अफगानिस्तान, यह दोनों चीजें आ जाती हैं जिससे कि इनकी लड़ाई चलती रहती आपस में। यानी कि अगर अमेरिका यहाँ से सपोर्ट कर रहा है तो रशिया यहाँ सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान यहाँ सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया यहाँ से सपोर्ट करेगा। इस तरह की चीजें चलती रहती है जिसके कारण अभी तक यह चीजें खत्म नहीं हो पा रही, क्योंकि इनको व्यापार मिल जाता है, या इन्हें हथियार सपोर्ट कर रहे हैं या इन्हें हथियार सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की चीजें चलती हुई नजर आती रहती हैं जिसके कारण अभी तक लड़ाई समाप्त नहीं हो पा रही है, तालिबान अभी तक समाप्त नहीं हो पाया, क्योंकि सबका ही व्यापार वहां पर चल रहा है। और एक तरीके से डिग्निटी की बात आ जाती है कि नहीं, हम यहाँ पर कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन सफलता किसी को भी नहीं मिल रही। परंपरागत रूप से देखा जाए तो अफगानिस्तान में पश्तून राष्ट्रवाद जातीयता और आदिवासी वफादार पर आधारित है। यानी कि जाति जातिवाद पर भी यहाँ पर काम चल रहा है, और वफादारी पर था, और धर्म से भी जुड़ा नहीं था, जो अपने अस्तित्व के पहले 3 दशकों के दौरान मुख्य रूप से मुस्लिम पाकिस्तान के प्रति अपनी शत्रुता की व्याख्या करता है। दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान का सोवियत आक्रमण ने मूल रूप से पश्तून राष्ट्रवाद की प्रकृति को बदल दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो अफगानिस्तान का आक्रमण हुआ, सोवियत का आक्रमण हुआ, तो वहां से यह नीति बदल गई। इसने अफगान विद्रोह के लिए अमेरिकी और सऊदी समर्थन का नेतृत्व किया। यानी कि देखिए, अब यहाँ पर आक्रमण हुआ तो अब सपोर्ट कौन करेगा, अमेरिका कर रहा है और सऊदी कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई और यहाँ से चली आ रही। साथ ही पाकिस्तान ने यहाँ पर सपोर्ट किया 1996 से, तो यहाँ पर चीजें चली आ रही हैं अभी भी। तो अब यही सलाह दी जाती है इंडिया को कि यहाँ पर बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर काम किया जाए, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान भी यहाँ पर आ रहा है, इस चीज में शामिल हो रहा है, तो यहाँ पर चीजें बदल सकती हैं आगे जाकर। अगर अमेरिका की फोर्स हटेगी तो यहाँ पर विपरीत स्थितियां बढ़ेंगी, तालिबान और सक्रिय हो जाएगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान का सपोर्ट मिले, तो यहाँ पर चीजें बदलेंगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी नीति अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आसपास की चीजें देखें, परिणाम देखेंगी क्या निकलेंगे इससे, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो यह था हमारा आर्टिकल। इसी के साथ आप देखें कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, काफी अच्छी सलाह दी जा रही है। कश्मीर जो मुद्दा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के रूप में, कई बार ये मुद्दे को लेकर बातें उठती रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इस एग्जाम्पल को हमें कुछ सीखना चाहिए इससे। कौन कौन सा एग्जाम्पल, जापान और रूस का। तो जापान और रूस का एक यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ 70 साल से पहले एक क्या हुआ था, यहाँ पर एक युद्ध चल रहा था, यहाँ पर विश्व वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, 1945 का युद्ध चल रहा था। इसमें क्या कर लिया, जो सोवियत संघ था इसने जापान के कुछ द्वीपों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और अधिकार करने के बाद वहां पर जो जापान के 20,000 से भी कम संख्या की आबादी वाले यहाँ पर लोग रह रहे थे, उन्हें यहाँ से भगा दिया गया, ठीक है। और इन द्वीपों पर यह बस गए, और यहाँ की कुछ द्वीपों पर अमेरिका, जो द्वीप यहाँ पर देखिए 56 द्वीपों का एक समूह है, कुरील नाम याद रखिएगा, कुरील। तो 56 द्वीपों का एक समूह है जो जापान के होक्काइडो से रूस के कामचड़ा तक लगभग 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इससे यहाँ तक, ठीक है। तो इस पर इनने अधिकार कर लिया 1945 में, और उसके बाद यहाँ पर ये जाति जो रशियन थे वह कुछ द्वीपों पर बस गए, और बाकी द्वीपों पर क्या होने लगा, रशिया ने मिसाइल सिस्टम तैनात किए, वहां पनडुब्बी परियोजना की योजना भी चलाई, और द्वीपों को अमेरिकी सैन्य का उपयोग रोकने से भी इनको मना किया, यहाँ पर रोका गया। तो अब देखिए, अब लगभग 70 साल से भी अधिक समय हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर अब नीति चलती है क्या कि देखिए, इसको लेकर कभी बार मुद्दे उठ जाते हैं, लड़ाई वगैरह होने लगती है। मैप में आप देख लीजिए एक बार, पहले इस तरफ हम अगर इंडिया की तरफ चलें तो यहाँ पर देखिए, ये रहा इस तरफ साउथ कोरिया हो गया, थोड़ा सा यहाँ जाएंगे तो ये रहा जापान, जापान हो गया। इसके साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये रहा रशिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर रशिया यहाँ पर जापान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो द्वीप है इन पर इनका कब्जा हो गया। अब यहाँ पर बात होती है, कभी कभी लड़ाई होती है, तो इनने एक समझौता किए हैं कि अब यहाँ पर जो जापान के लोग हैं यहाँ पर पहले रहते थे, तो उनके पूर्वजों वगैरह की कब्र है, तो यहाँ पर पूर्वजों की कब्र पर विजिट करने जाएंगे। साथ ही व्यापार वगैरह, मछली वगैरह इस वाले समुद्री एरिया में, ये सब चीजें इनके द्वारा की गई कि हम यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर शांतिपूर्वक काम चल रहा है, और दोनों चीजें रुकी हुई हैं, जिससे कि लड़ाई वगैरह भी नहीं हो रही, तो यहाँ पर काफी शानदार तरीके से काम चल रहा है। तो इसको एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, यह इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पर किस तरह से लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं और किस तरह से चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पर क्या बात की जा रही है। काफी शानदार लग रहा है वैसे तो, कब से कब तक कितने लोग कहाँ कहाँ गए हैं, तो यह सब बातें यहाँ दी गई। ग्राफ कितने, 4 ग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है उतना बड़ा, मैं एक्सप्लेन करता। इसी के साथ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हमें डिस्कस करने हैं, यह भी एक कारण है। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की, तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श बाग, इसका आदर्श बाग क्या है, उद्योग निष्पक्षता अखंडता। संस्थापक भारत सरकार है। 19 स्थापना कब की गई थी, 1963 में। एजेंसी के अधिकारी नागेश्वर राव, निदेशक अंतरिम राकेश अस्थाना, विशेष निदेशक है, ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, काफी न्यूज में भी है ये लोग अभी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी यहाँ पर इतने इतने हैं, यह बात की जा रही है। अब देखिए क्या बात की जा रही है यहाँ पर, यह आर्टिकल आज क्यों आया न्यूज में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीबीआई की और राजनीतिक लड़ाई बताई जा रही है। क्यों, अभिजात वर्ग की सहमति अक्सर शक्तिशाली के एक ग्रोह में बदल सकती है, लेकिन इसके अभाव में अराजकता होती है। क्या बात की जा रही है आप अब यहाँ पर समझेंगे। देखिए सीबीआई एक जांच एजेंसी है, केंद्र से संचालित होती है, ठीक है। अब देखिए क्या बात होती है, कई बार जब सीबीआई जांच करने जाती है कहीं भी, तो बहुत सारे राज खुलते हैं, तो और अगर किसी दूसरे राज्य में जा रही है तो उसे राज्य की अनुमति वगैरह लेनी पड़ती है। इसलिए क्या होता है, कई बार इसको रोक दिया जाता है राज्यों में जाकर यहाँ पर अपनी जांच वगैरह करने के लिए, तो वह मुद्दे निकल के आए हैं। अब देखिए पहला खतरा सीबीआई पर क्या है, राष्ट्रीय जांच और नियामक एजेंसी है जैसे कि केंद्र सीबीआई है, तेजी से स्थापित नौकरशाही व्यवसायिकता और तटस्थता के बेपरवाह दिखाई दे रही है, यानी कि इस रूप में है बेपरवाह दिखाई दे रही है, नौकरशाही की तरह बताई जा रही है। राज्य स्तरीय एजेंसी कहीं अधिक खराब हो सकती है, लेकिन यह एक अलग मामला है। इस भावना का राजनीतिक प्रभाव, चाहे वह सही हो या गलत, कुछ राज्य सरकारों द्वारा सीबीआई को अपने राज्यों में इसके संचालन के लिए अनुमति देने से इनकार किया गया। तो राज्यों द्वारा सीबीआई को अपने राज्य में कार्रवाई करने के लिए मना किया जा रहा है। सीबीआई की अखंडता के बारे में संदेह का श्रेय देते हुए गोविंद पानसरे और गौरी लंकेश के परिवार, जो क्रमशः 2015 और 17 में मारे गए थे, उनकी हत्याओं के साथ साथ नरेंद्र दाभोलकर और एमएम की संयुक्त सीबीआई जांच का विरोध करने का फैसला किया गया है। तो इस तरह की यह केस है जिनके थ्रू इन्हें रोका जा रहा है, इन केस के थ्रू, यह भी याद रखिएगा। वे दिन आ गए हैं जब लोग किसी भी अपराध का प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग करें, यानी कि अब समय आ गया है कि हर एक जांच के लिए अब सीबीआई की जांच की मांग की जा सकती है। यहाँ पर तो सीबीआई है जो इसको एक तरीके से निश्चिंत और स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। इस तरह की जो यहाँ पर देखेंगे आप आगे कि कुछ इनके तरफ क्या है, बंदिशें यहाँ पर दिखाई दे रही, उनको हटाने की बात है। जैसे देखिए नवंबर में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ना, सीबीआई को अपने दायरे में ताजा मामले दर्ज करने के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी, यानी कि इनकी इनकी एक तरीके से सहायता नहीं की गई थी, मांग वापस ले ली गई थी कि हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। निर्णय का एक निहितार्थ यह है कि सीबीआई को मामले की जांच में राज्य की सहमति प्राप्त करनी होगी, यानी कि राज्य अगर इन्हें सपोर्ट करेंगे, सहमति देंगे, तभी जाकर वहां पर अपनी क्या कर पाएंगे, जांच कर पाएंगे। इससे राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा कि सीबीआई केंद्र से सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम नहीं कर रही। क्या बात होती है कि देखिए अगर केंद्र से चल रही है तो राज्य क्या सोच लेते हैं, जैसे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में अगर हम बंगाल की राज्य में चले या फिर आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, तो अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर राज्य से कांग्रेस की सरकार में यह जाकर दूसरे राज्य में जाकर जांच करती है, तो क्या सोचते हैं कि जो केंद्र की सरकार है इसने दूसरी सरकार विपक्षी दल के लिए जांच भेजी है ताकि इन्हें फंसाया जा सके और चुनाव में इसका असर लाभ उठाया जा सके। तो इस तरह की बातें सामने निकल के आती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे जो सीबीआई है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो यह बात आज के समय में बाहर निकल के आती है। तो एक सुनिश्चित करना होगा कि सीबीआई है अपने अनुसार काम करती है, ना कि किसी और के। एजेंसी तकनीकी रूप से उन मामलों में आगे बढ़ सकती है जो पहले से ही इन राज्यों में दर्ज है, यानी कि एजेंसी कब काम कर सकती है, जो कि किसी राज्य के जो मामले दर्ज है पहले से, उन मामले में यहाँ पर जाकर एजेंसी काम कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा तब जाकर यहाँ पर काम कर सकती है दूसरे राज्यों में, और उसके अलावा अगर राज्य खुद बुलाता है कि नहीं हमारे राज्य में सीबीआई जांच चाहिए हमें, तब सीबीआई जाकर जांच करेगी,
और अगर कुछ और मामले निकल के आते हैं तो सीबीआई को क्या यहाँ पर राज्यों के साथ परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर जाकर जांच करेगी। और ऐसा ही कुछ हो रहा था, जांच करने जाना था, तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इस पर मना कर दिया गया था, अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह केंद्र के द्वारा भेजी जा रही है। किसी मामले की खूबियों पर नहीं बल्कि उस राज्य और केंद्र में सत्ताधारी पार्टियों के बीच राजनीतिक समीकरणों पर आधारित है। तो कुछ मामले ही नहीं, बस सत्ताधार जो सत्ता चल रही, राजनीति चल रही, उस पर आधारित है मामले बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे, यह अकेले सीबीआई नहीं, यानी कि सीबीआई अकेली ऐसी एजेंसी नहीं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। केंद्र और राज्य के झगड़े पर यहाँ पर लटकी पड़ी है बीच में, ऐसे ही है नहीं, अन्य ऐसी एजेंसी और है, जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय हो गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी हो गई, एनआईए आदि, उन सभी में यह सब चीजें चल रही हैं जिन्हें रोका जा रहा है। 1980 के दशक में एक समय था जब एक विशेष आयकर टीम ने स्पष्ट कारणों के लिए स्थानीय पुलिस को सूची किए बिना जम्मू और कश्मीर में, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर में इनने कुछ जो करीबी व्यक्ति थे पार्टियों से संबंधित, उनकी तलाशी की गई थी और जब्त अभियान चलाया गया था। टीम को अप्रिय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, यानी कि इन्हें इस चीज को सराहा नहीं गया था, इनका विरोध ही इन्हें मिला था। तो इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर निकल के आते हैं। साथ ही आप देखेंगे संविधान के तहत राज्य सरकारों को एक कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त है। जो क्या संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, राज्य सरकार है जिनको कानून रूप से और व्यवस्था के संबंध में अधिकार प्राप्त है विशेष रूप से। केंद्र राज्यों में स्थित अपने विभागों पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, ठीक है, जैसे रेलवे संपत्ति हो गया, केंद्र सरकार किस किस मामले में कर सकती है, रेलवे संपत्ति हो गया, आतंकवाद, राजद्रोह, राजी मुद्रा आदि, इस मामले में केंद्र सरकार अपना चला सकता है मामला, अपने मतलब अपनी तरफ से काम कर सकता है। लेकिन कुछ मामले हैं जो राज्य सरकार के कंट्रोल में है, उसके हिसाब से है यहाँ पर आकर काम नहीं कर सकते। इन मामलों में भी केंद्रीय एजेंसियां संबंधित राज्य सरकार से सक्रिय सहयोग के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है। यानी कि अगर राज्य की एजेंसियां देखी जाए, केंद्र की एजेंसियां काम कर रही है लेकिन राज्य की एजेंसियां भी हैं, वह अपना काम सही से नहीं करती है, कि सरकार के अंदर में रहकर काम करना है, तो यहाँ पर बात यह निकल के आती है। यही सब बातें यहाँ पर दोहराई जाइए कि सीबीआई जो इसको स्पष्ट रूप से काम करना चाहिए और जो देश है उसमें विश्वास होना चाहिए कि ये एजेंसी स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो सीबीआई की भी एक जिम्मेदारी है कि सीबीआई का काम है अखंडता एकता बनाए रखना और जांच सही रिजल्ट देना, यानी कि सही जांच करके सही चीज बाहर लाना, तो इसकी अखंडता एकता बनाए रखना चाहिए और राज्यों को भी भरोसा होना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। इसी के साथ यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, भय को दूर करना। यहाँ पर देखिए, साहित्यिक स्वतंत्रता को खतरे से बचाने के उद्देश्य निजी सदस्य विधेयक का स्वागत योग है। यानी कि देखिए, निजी सदस्य विधेयक लाने की बात की जा रही है, किसके द्वारा यह पेश किया गया, तो जो कांग्रेस के नेता हैं सांसद शशि थरूर, इनके द्वारा यह लाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए, लोग बात क्या करते हैं, किताबें लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनकी जो किताबें होती हैं उनको रद्द कर दिया जाता है या उनको पब्लिश नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि बातें कही जाती है कि आप किसी का नाम यूज कर रहे हो, किसी के बारे में किताब लिख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है, कहा जाता है कि आप उनका अपमान कर रहे हो, अपमानजनक सामग्री आपने यूज की है, इसलिए आपकी किताब को पब्लिश नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या होता है, स्वतंत्रता होती है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकते हैं, तो उसकी बात की जा रही है कि इस तरह की कुछ जो एक तरीके से बातें हैं उनको यहाँ पर हटाया जाए इस विधेयक के तहत। आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ किताबें हैं जैसे कि देखिए यहाँ पर ये बेडी डोनीगर कि द हिंदू द अल्टरनेटिव हिस्ट्री को सर्कुलेशन से हटा दिया, और ए के रामानुज के निबंध 300 रामायण को दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के मधुरा वगन को लेखक ने भी भीड़ के दबाव में वापस ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो बुक्स पुस्तकें लिखी जा रही हैं इनका पब्लिकेशन हो ही नहीं पा रहा है, इनको हटा दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो विधेयक लाया जा रहा है, एक स्वागत करना चाहिए इसका, ताकि यहाँ पर चीजें सही तरीके से की जाए। और जो आईपीसी की धारा 95 ये है, सहित 3 आईपीसी की वर्गों की छूट की मांग की जा रही है। इनके तहत ही अगर आप कुछ भी ऐसी चीज करते हो तो आपको इसमें अपराध की कैटेगरी से इनकी धारा के थ्रू अपराधी माना जाएगा। इनको हटाने की यहाँ पर बात की जा रही है, इसमें छूट देने की बात की जा रही है। साथ ही देखिए कुछ और भी यहाँ पर चीजें हैं, जैसे कि 53A हो गया, 53B हो गया और कुछ अधिकार हो गए।
तो इसको इन सब चीजों को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा गया है। यह सब यह जो धाराएं यह क्या बताती हैं, अगर आप कोई अपराधजनक बात कहते हो या फिर आप कोई ऐसी बात कहते हो जिससे कि किसी सामने वाले का नुकसान हो रहा है, लोगों में जो भड़का हो रहा है, लोगों में भड़क भड़क जा रही है, यानी कि लोग भड़का भड़काए जा रहे हैं या फिर इस तरह की बातें की जाती हैं, तो इनके तहत आपको यहाँ पर एक तरीके से अपराधी बनाता है। इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान में, बहुत सारे अधिकार, उन सबको हमें ध्यान में रखना है। हमारे अधिकार क्या कहते हैं कि आपको अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार तभी तक आपके अधिकार हैं जब तक कि सामने वाले के अधिकार का हनन नहीं होता है। यानी कि आप अपने अधिकार एंजॉय कीजिए, लेकिन सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यह बात की जा रही है, काफी वैसे इंटरेस्टिंग है। इसके साथ विशेषता में विशेषज्ञों में लाभ, यानी कि जो जयललिता जी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, अब एक साल लगभग एक साल हो गया है, तो यहाँ पर अब यह बात उठ रही है, कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर अपील की गई है कि इनकी जांच की जाए, इनकी जो मृत्यु हुई थी उसकी जांच, क्योंकि यहाँ पर संदेश आया है कि इनकी मृत्यु की गई थी, यानी करवाई गई थी, यानी कि इनकी हत्या की गई थी। कैसे? क्योंकि अभी तक देखिए 75 दिन तक यह अस्पताल में रही, ठीक है, तो उस दौरान इनको किस तरह का इलाज कराया गया, सही तरीके से इलाज कराया गया कि नहीं, सही डॉक्टर थे कि नहीं, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि एक तरीके से इनकी हत्या की गई थी, साजिश की गई थी, तो इन सब के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर फिर से जांच की बात की जा रही है। तो इसी के साथ यह था हमारा आज का डिस्कशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।